खबर नीमच से है, जहां शहीद पुलिस जवानों की स्मृति में दो दिवसीय अंतर विभागीय क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन शहर के पुलिस लाइन ग्राउंड में किया जा रहा है, जहां जिला पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा ने किया। वहीं क्रिकेट मैच का शुभारंभ एसपी वर्मा ने सिक्का उछाल कर किया। इस दौरान एसपी सूरज कुमार वर्मा दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से भी मिले। दरअसल शहीद पुलिस जवानों को याद करने और प्रतियोगिता के माध्यम से भाईचारा और खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जहां प्रतियोगिता में नीमच पुलिस विभाग, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, मीडिया, ग्राम रक्षा समिति और सामाजिक संस्थाओं के साथ विभिन्न क्लब के क्रिकेट टीम भाग ले रही है। वहीं दो दिवसीय क्रिकेट स्पर्धा में विजेता टीमों को जहां पुरस्कृत किया जाएगा, वहीं खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही टीम बिल्डिंग और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ऐसी ही प्रतियोगिता भविष्य में भी आयोजित करते रहने की बात एसपी सूरज कुमार वर्मा ने कही। साथ ही पुलिस को विभाग के जवानों से हौसला अफजाई के लिए क्रिकेट ग्राउंड पर आने का आग्रह भी किया है। एनजीओ के कप्तान भाई आकाश और पुलिस टीम के कप्तान श्री मोहन बराव जी अपने खिलाड़ियों का परिचय, उनकी टीम तालियों से उनका अभिवादन करती है और वो यहाँ पर देखे नजर आ रहा है सामने। एनजीओ के बाद अब हमारी पुलिस लाइन नीमच में शानदार चौका, आउटस्टैंडिंग चौका, ये योगेंद्र सर का। बलराम सामना करेंगे, राजेंद्र जी पहली बॉल उठा के मारा है लेकिन बॉल वहीं पे खड़ी होकर दोनों फील्डर आपस में टकरा है और बॉल चली गई है, बची है और छब्बीस रन लास्ट ओवर में 26 रन की आवश्यकता है सीआईएसएफ को इस मैच को जीतने के लिए। शहीद दिवस स्मृति मैच का टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग टीमें जो नीमच की हैं, जिसमें पुलिस विभाग, रेवेन्यू विभाग, मीडिया के और जो हमारे निजी सुरक्षा में सहयोग देते हैं उनके एनजीओ सभी लोग की टीमें बनी हुई हैं और इसको नॉकआउट के फॉर्मेट में इसको खेला जा रहा है। अभी आज और कल में इसका जो भी सारे मैचेस होंगे और सभी से अनुरोध है कि आकर जो जितने भी फोर्सेज हैं फोर्सेज का वो बढ़ाएं, उनका खेलने का हौसला बढ़ाएं और आगे हम लोग इसी तरह से अलग अलग टीमों को बुलाकर मैचेस करवाते रहेंगे, खेलों से खेल लगातार करवाते रहेंगे, जिससे टीम बिल्डिंग और पूरे शहर में एक पॉजिटिव मैसेज लगातार जाता रहे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए नीमच से मनोज मीणा की रिपोर्ट।